पाक फौज में निशान हैदर का एजाज पाने वाले पहले सिपाही जवान सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ 18 जून 1949 को जिला रावलपिंडी की तहसील गुजर खान के गांव ढोक पीर बख्श में पैदा हुए। उन्होंने देवी हाई स्कूल में मैट्रिक तक तालीम हासिल की। सवार मोहम्मद हुसैन ने 3 सितंबर 1966 को महज 17 वर्ष की उम्र में पाक फौज में बतौर ड्राइवर शमूलियत इख्तियार की और ड्राइवर होने के बावजूद अमली जंग में भरपूर हिस्सा लिया। 1971 की पाक भारत जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शक्करगढ़ के महाज पर फौजी जवानों को असलहा और गोला बारूद पहुँचाते रहे। 10 दिसंबर 1971 को सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने दुश्मन को हरार खुर्द गांव में मोर्चे खोदते देखकर यूनिट कमांडर को इतला दी। सवार मोहम्मद हुसैन की जाती कोशिशों से दुश्मन के 16 टैंक तबाह हुए। 10 दिसंबर को ही 4 बजे सवार मोहम्मद हुसैन दुश्मन को ठिकाने लगाते हुए गोलियों की बौछाड़ में शहीद हो गए। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को इसी बहादुरी के एतराफ में आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की औलाद में एक बेटी और एक बेटा शामिल है। ढोक पीर बख्श अब उनके नाम की मुनासिबत से ढोक मोहम्मद हुसैन जंजुआ के नाम से मौसूम की जा चुकी है। फयाज राजा, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। तुम्हें चमन की फजाएं सलाम कहती है।